वेलकम टू माय चैनल मोही आर्ट गैलरी। जय हिंद दोस्तों। सो मैंने आज आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत ही एट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बनाने में। सो मैंने आज बहुत ही आसान तरीका, आसान टेक्निक वाटर कलर का दिखाऊंगा आप लोगों को। सो सबसे पहले आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरा YouTube चैनल में नया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। सो आज चलिए ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग करते करते बात करते हैं, मैंने बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों से, इसीलिए मैं अपना वॉइस में कर रहा हूँ। पता नहीं कैसा होगा, मैं पहली बार वॉइस ऐड कर रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। सो यहाँ पे मैंने हॉर्स का ड्राइंग कर रहा हूँ, बहुत ही जो आसान है। और आप लोगों को कुछ भी जानना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है मोही आर्ट गैलरी, सेम आईडी है। सो यहाँ पे मैंने हॉर्स कंप्लीट ड्राइंग कर लिया, तो यहाँ पे मैं सेकंड हॉर्स, जो हॉर्स का बच्चा है, उसका ड्राइंग कर रहा हूँ। तो इसी को भी कर लेते हैं और ढेर सारा बात करेंगे आप लोगों से। बहुत ही एट्रैक्टिव, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रास यूज़ करता हूँ, सिंथेटिक भी करता हूँ, यहाँ पे नेचुरल हेयर भी करता हूँ। जो नेचुरल ग्रास है वो मेरा बहुत पुराना ग्रास है। यहाँ पे देखिए मैं सिंथेटिक पेंटिंग सिंथेटिक ग्रास भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं बूस्टरों का कलर यूज़ करता हूँ। मेरे पास और भी अच्छा है कलर है जो मैं यूज़ करता हूँ, आर्टिस्ट वाटर कलर भी है। तो मुझे यहाँ पे बूस्टरों का कलर अच्छा लगता है, क्योंकि उनका लाइट, जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो इसका लाइट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं कैनसन का पेपर यूज़ करता हूँ, 300 GSM का। तो ये सारे बात आप लोगों से शेयर करूँगा बोल के मैं अपना वॉइस में बात कर रहा हूँ। सो मेरे को आप लोगों से ये सारे बात शेयर करना था। तो मैं अभी यहाँ पे कलर अप्लाई करता हूँ। पहले मैं पेपर को भिगा लिया, उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा कैडमिलियम ऑरेंज के साथ, कैडमिलियम येलो मिक्स करके, फिर थोड़ा सा वर्मिलियन यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्शियन ब्लू के साथ वर्मिलियन को मिक्स करके थोड़ा सा एस कलर टाइप का बना के तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा थोड़ा। अब देखिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये कलर, बहुत ही एट्रैक्टिव लगता है मुझे, बहुत ही पसंद है ये कलर। सो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट का ज़रूरत है, और मेरे आप लोगों को बहुत ही आसान टेक्निक दिखाऊंगा वाटर कलर का। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, मैं जानने का आपका इच्छा हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है, कमेंट में बोल सकता है। कमेंट पे आप बताएंगे, मैं आपको कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मैं हर तो हम अभी शुरू किया तो मेरे पास ज़्यादा कमेंट आता नहीं, तो मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़ता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। पहले मैं बहुत ही लाइट कलर से, जो सबसे पीछे है जो मेरा जो माउंटेन है, पहाड़ है, तो मैंने उसको दिखाया। फिर दूसरा मैं इससे थोड़ा सा डार्क यहाँ पे दिखाया, सैप ग्रीन, यहाँ पे सैप ग्रीन और कोबाल्ट ब्लू को मैं हल्का लाइटली मिक्स करके ये कलर बनाया। फिर दोबारा मैंने कोबाल्ट ब्लू और सैप ग्रीन और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वर्मिलियन यूज़ किया। तो काफ़ी सारा बात है, ये पेंटिंग बहुत ही एट्रैक्टिव बनेगा, पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बना है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बनाने में भी। वाटर कलर जो है एकदम दिल खोल के करना चाहिए, कि आपको मन में ये नहीं डर होना चाहिए कि ये ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा। पेपर, आप पेपर के बारे में मत सोचिए कि मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा। आप कलर के बारे में ये मत सोचिए कि मेरा कलर बर्बाद हो जाएगा। ये सब दिमाग से हटा दीजिए, अपना दिल मतलब खुल के कलर कीजिए, खुल के पेंट कीजिए, तब आपका पेंटिंग अच्छा बनेगा। और बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है, एक ख़राब होगा दूसरा अच्छा बनेगा। सो कभी नहीं डरना है, ठीक है।
सो मैंने यहाँ पे फिर दोबारा कलर किया थोड़ा डार्कनेस दिखाने के लिए, सेम प्रोसेस यूज़ किया, यहाँ पे सेम कलर यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं ड्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा, ड्राई करके फिर मैं दोबारा यहाँ पे मैं देवदारू का जो ट्री होता है वो दूर से दिखाई दे रहा है, तो मैं सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखाया। यहाँ पे मैंने कैडमियम योलो के साथ सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर मिक्स किया एट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आप भी कोशिश करिए डिफरेंट कलर यूज़ करने के लिए, एट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे कोई भी कलर डायरेक्ट मतलब यूज़ नहीं किया, उनके साथ कुछ ना कुछ कलर ऐड किया है, तो जब उसमें अच्छा लगेगा देखने में, लुक अच्छा आता है, कलर को देखने में अट्रैक्टिव लगता है, मज़ा आता है वाटर कलर में। तो पहले मैंने डार्क किया, अभी मैंने उसको थोड़ा सा ओस दिखाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ करके लाइट दिखा दिया नीचे साइड में, थोड़ा धुंधला धुंधला लगे और अच्छा लगता है। फिर मैंने ड्राई करके यहाँ पे तुरंत काम शुरू कर दिया। फिर नीचे साइड में और भी देवदारू का पेड़ मैंने दिखा दिया जो बहुत ही नज़दीक है, यहाँ पे सामने की तरफ वो वाला दिखाया यहाँ पे, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर कलर चेंज किया, पहले ऊपर लाइट फिर नीचे डार्क। तो यहाँ पे ऐसे ही होते वाटर कलर में, आपको पहले हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि लाइट किधर से आ रहा है, लाइट का सूरज का रोशनी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किधर से लाइट हम दिखाएंगे, कहाँ से लाइट आ रहा है, पहले आपको दिमाग में ये ले आना पड़ेगा। और वाटर कलर में ध्यान रखने वाले बात है ये है कि हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करेंगे तो बाद में आप सेकंड टोन देके उसको डार्क कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में कभी ये ना करें कि पहले आप डार्क कलर यूज़ करेंगे तो फिर आप लाइट नहीं कर पाएंगे। एक्रेलिक में क्या होता है, उसमें सूख जाता है जल्दी, उसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमेशा वाटर कलर में ये करना है कि हमेशा लाइट कलर पहले यूज़ करना है, उसके बाद आप सेकेंड टोन में डार्क दिखा दीजिए। सो यहाँ पे देखिए मैं पीछे वाला हिस्सा जो है, पीछे वाला जो पहाड़ है, तो मैंने उसको डार्क दिखाया, बहुत ज़्यादा ही डार्क दिखाया कि पीछे वाला जो यहाँ सामने वाला जो घास है वो उभर के आए, इसीलिए हमने पीछे वाला हिस्सा को थोड़ा डार्क दिखा दिया। और यहाँ पे फिर से मैंने लाइट कलर से शुरू किया येलो और थोड़ा सा सैप ग्रीन यूज़ करके, फिर सेम प्रोसेस में मैंने यहाँ पे देखिए पहले लाइट फिर मैंने डार्क की तरफ आ गया। तो यही सेम वाटर कलर में ही करना है, हमेशा लाइट कलर पहले यूज़ करना है, उसके बाद आप डार्कनेस दिखाइए। तो आज आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत कुछ शेयर करना था जो मैं सोचा कि शेयर करना भी चाहिए। बहुत सारा दोस्त ऐसा है जो कमेंट में नहीं बता सकता है कि कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक, पेंटिंग को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही मतलब एट्रैक्टिव बनेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं वाटर कलर के साथ में खेलता हूँ, ऐसा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खेलने में वाटर कलर के साथ। मैं कभी मन में ये नहीं रखता कि मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, मेरा कलर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कभी दिमाग में नहीं ले आना है, कभी भी नहीं ले आना है, एकदम मतलब मन से करिए, दिल खोल के पेंट करिए, आपको मन में जो है वो पेपर में उतार दीजिए, अच्छा बनेगा, दिल से बनाइए। सो सेम प्रोसेस मैंने यूज़ किया यहाँ पे हॉर्स के ऊपर साइड में, देखिए मैंने थोड़ा सा लाइट दिखाया, नीचे साइड में डार्कनेस दिखाया। सो इस तरह का काफ़ी सारा बात मुझे आप लोगों से करना था, इसीलिए मैंने लाइव आया, लाइव मतलब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ और पेंटिंग बना रहा हूँ। सो थैंक यू, और
ये पेंटिंग बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और मेरे चैनल को जो लोग नया है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। चलिए तो एक मेरा पसंदीदा ट्री बना देता हूँ। मुझे ट्री बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, वाटर कलर में तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक भी इस पेंटिंग में कोई भी कलर ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट यूज़ किया, हर कलर के साथ मैंने कुछ ना कुछ ऐड किया है। ज़्यादातर मैंने यहाँ पे क्रिमशियन लेक के साथ भिडियन ग्रीन, उसके बाद कैडमिनियम येलो के साथ सैप ग्रीन, इस तरह से मैंने एट्रैक्टिव कलर बनाया। आप भी कोशिश करिए कि हर कलर के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर मिला के थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिए। और एक बात मैं बिगिनर्स के लिए बोलना चाहूँगा, जो बिगिनर्स हमेशा क्या करता है, जब ट्री बनाता है ना, वो एक मतलब सर्कल के अंदर बनाने की कोशिश करता है, उन मतलब ये नहीं होता। जब ट्री बनाएंगे अब उसका डाली इधर उधर फैलता है। वास्तव में जो नेचर मतलब रियल में भी ऐसा है, जो ट्री होता है उसका डाली इधर उधर फैलता है, उसका पत्ता इधर उधर फैलता है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया। सो इस तरह का काफ़ी सारा बात मुझे आप लोगों से करना है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड करने की कोशिश करूँगा, डाली ऐड कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और अच्छा लगेगा देखने में। सो मुझे काफ़ी सारा बात आप लोगों से करना है। अगर आप लोगों से पेंटिंग के बारे में कुछ भी पूछना है, मटेरियल्स के बारे में पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे सबसे मेरा अच्छा कॉमन चीज़ है जो मेरा पेंटिंग में, वो है बर्ड। तो मैं बर्ड ऐड कर देता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पेंटिंग का लुक बढ़ा देता है, और नेचर का सबसे खास चीज़ है ये बर्ड, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं हर पेंटिंग में यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मेरा पेंटिंग हो गया कंप्लीट। यहाँ पे जब टेप आप लोग उतारेंगे टेप उतरते टाइम टेप का मुंह बाहर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ खींचिएगा, तभी पेपर आपका सेफ रहेगा। सो थैंक यू दोस्तों, मेरा यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल मोही आर्ट गैलरी।